फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो फाइनेंस और मैक्रो फाइनेंस की बात की थी। तो देखो, फाइनेंस क्या था, हमें फाइनेंशियल सर्विसेज का जब यूज करना है, ठीक है, किसका, फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड व्हाट आर फाइनेंशियल सर्विसेज, आर रिलेटेड टू मनी, ठीक है। जब मनी की जरूरत होगी लोगों को, तो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए लोगों को, उससे रिलेटेड जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है, एग्रीकल्चर फाइनेंस, ठीक है। एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं जो लोग, जब उन्हें मनी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो लोन लेंगे, तो उसको क्या हम बोलेंगे, एग्रीकल्चर फाइनेंस, ठीक है। तो फाइनेंस इज ऑल्सो नीडेड इन एग्रीकल्चर, एज वी नो कि हर अगर बिजनेस है तो वहां भी फाइनेंस चाहिए, तो एग्रीकल्चर में भी लोगों को फाइनेंस चाहिए। तो जब एग्रीकल्चर में फाइनेंस चाहिए होगा, लोगों को पैसे चाहिए होंगे, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, आपका एग्रीकल्चरल फाइनेंस, ठीक है। अब ये किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, फार्म इक्विपमेंट के लिए एंड स्टोरेज कैपेसिटी एक्सेट्रा। इस पर्पस के लिए क्या लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, बैकबोन है इकोनॉमी की। व्हाट, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है, क्यों, क्योंकि इट इज अ प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, बैकबोन होता है, क्योंकि इट इज अ बेसिस, प्राइमरी सेक्टर बेसिस है दूसरे सेक्टर्स के लिए, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के लिए। अगर आपका प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग है तो आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर भी डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पहले ये डेवलप होना चाहिए, तभी क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल किससे लेगा, प्राइमरी सेक्टर से ही लेगा। तो ये डेवलप्ड है तो आपका क्या होगा, इससे आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी, इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम क्या करती है, डिसीजंस लेती रहती है, ताकि जो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब देखो, एग्रीकल्चर फाइनेंस जनरली मींस, इसका मीन जो जनरली मीन है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की स्टडी करना। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है, रिलेटेड टू मनी, ठीक है। रिलेटेड टू मनी मींस इसके बारे में स्टडी करना, एग्जामिन करना, एनालाइज, क्योंकि इसी को देखते हुए क्या करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करती है कि कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना है जब आप लोगों को, एग्रीकल्चर में जुड़े हुए लोगों को लोन देना है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है, ये मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज में, और रूरल एरियाज में जो ज्यादातर लोग हैं वो किसमें एंगेज्ड हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एंगेज्ड हैं, ठीक है। इसलिए इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, जो इनको लोन दिया जाता है वो कितने बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। इसके बेसिस, टाइम के बेसिस पे अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इनको लोन दिया जाता है। अगर किसी ने लोन लिया है, ठीक है, 15 मंथ्स के लिए, तो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाएगा। 15 मंथ्स टू 5 इयर्स के लिए लिया है तो मीडियम टर्म बोला जाएगा। अगर 5 साल से ज्यादा लिया हुआ है, मतलब 15-20 साल के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। मतलब इसका मतलब है कि आपको 15 महीने के अंदर अंदर लोन जो लिया आपने वो वापिस करना है आपको विद इंटरेस्ट, ठीक है। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये होगा टाइम पीरियड। अब किस पर्पस के लिए लिया है, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, या फीड्स ऑन फॉडर्स ऑफ लाइफ स्टॉक को आपने फॉडर जो डालना है उसके लिए, या जो लेबर लगी हुई है उसको वेजेस देने हैं उसके लिए। क्योंकि आपको पता ही, अगर आपको पता है, ठीक है, जो मेरी क्रॉप्स मैंने उगाई हैं वो एक दो जो सीजन है उसमें अच्छा मेरे को रिजल्ट्स मिल जाएंगे, मुझे कमाई हो जाएगी और मैं पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। उस पर्पस के लिए जब आप लोन लेते हो तो वो आपका होगा शॉर्ट टर्म, ठीक है। जब आपको पता है कि आपका जो पेमेंट है वो रिपेमेंट इस पीरियड में नहीं होगी, तो आप इस पर्पस के लिए लोन लेते हो, लाइक कैटल्स खरीदने, ठीक है, स्मॉल एग्रीकल्चरल के इम्प्लीमेंट्स खरीदने, या रिपेयर कंस्ट्रक्शन कराते हो वेल्स की, तो इसके लिए ज्यादा पैसे लगते हैं, तो आप रिपेमेंट जो है वो उसका टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। इसलिए इसका टाइम पीरियड क्या है, 15 मंथ्स टू 5 इयर्स के अंदर अंदर आप इसको रिपेमेंट कर सकते हो। अब लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जब लोन ले रहा है कोई, या इसका टाइम पीरियड वैसे 15-20 साल के लिए होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड का, आपने परमानेंट इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, आप ट्यूबवेल बना रहे हो, या ट्रैक्टर्स खरीद रहे हो, हार्वेस्टर्स मतलब फसल को काटने के लिए कोई मशीनें खरीद रहे हो, तो इसके लिए आपको बहुत पैसा चाहिए होता है। तो इसकी रिकवरी, आपको जो रिटर्न्स मिलने हैं वो लेट मिलते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको जो वापस करने का टाइम पीरियड है वो ज्यादा होता है, ठीक है। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, और सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो। एक तो है आपका प्रोडक्टिव पर्पस, ठीक है, प्रोडक्टिव पर्पस उस पर्पस के लिए है जहां आपको पता है कि आपको रिटर्न्स मिलने हैं, ठीक है। इकोनॉमी में क्या होनी है, गुड्स आप लाइक आपने ये जो सारी इस पे इन्वेस्ट किया है ये प्रोडक्टिव है, क्योंकि आपको यहां से रिटर्न्स मिलेंगे,
जब रिटर्न्स मिलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होती हैं इकोनॉमी में, हम उसको बोलते हैं कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लिया गया है। और अनप्रोडक्टिव क्या होता है कि जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या होता है जनरेट नहीं हो रही, लाइक आपने अपने बेटी की मैरिज के लिए पैसे ले लिए, घर बनाने के लिए पैसे ले लिए, तो उसको हम बोलेंगे कि अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए पैसा लिया है। एंड थर्ड वन इज कंजम्पशन नीड्स। अगर आपने अपने पर्सनली कुछ कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया है। नेक्स्ट है आपका कि सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से आपको लोन मिल सकता है। एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होंगे, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो, या आपके रिलेटिव्स होते हैं जो ट्रेडर्स या कमीशन पे आपको पैसे देते हैं, ये हो गया आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल। जो ट्रेडिशनली पहले ज्यादातर यही यूज होता था, ठीक है, जब बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ था, पहले लोग या तो मनी लेंडर से पैसे लेते थे, लैंडलॉर्ड से, अपने रिलेटिव से, या ट्रेडर या कमिश्नर से। ये मनी लेंडर्स बहुत ज्यादा चार्ज करते थे पैसे देने, लोन किसी को पैसे देने पर क्या करते थे, ये वापिस रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते थे और लोगों को क्या करते थे, अपना गुलाम बनाए रखते थे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था ये काफी पुराना सिस्टम है, आजकल यूज होता है बट बहुत कम। आजकल जो मेनली इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज, ठीक है, लाइक कॉपरेटिव बैंक्स बन गए हैं आजकल, कमर्शियल बैंक्स बन गए हैं, रीजनल रूरल बैंक्स बन गए हैं, नाबार्ड है जो कि बेसिकली आपको किस पर्पस के लिए लोन देता है, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए ही लोन देता है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन दीज टू टॉपिक्स, RRBs एंड नाबार्ड, ये मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा RRBs और नाबार्ड का, आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नीड्स की कि किस नीड क्या है इसकी, तो ये आपकी नीड्स ही है, ठीक है। अगर नीड्स के पॉइंट लिखने हैं आप इनको वन बाय वन लिख सकते हो, ठीक है, कि क्यों किस पर्पज के लिए आपको नीड है, सीड्स के लिए, परचेज ऑफ कैटल के लिए, अगर नीड्स का आपको पॉइंट्स बना के लिखने हैं, नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, ठीक है। अगर आपको इंपोर्टेंस के बारे में लिखना है तो लिख सकते हो कि आपको परचेज हो, इससे आप क्या करते हो, परचेज न्यू इनपुट्स खरीदते हो जो कि आपके काम आते हैं, है ना, परचेज न्यू इनपुट्स, है ना, आप मशीनरी खरीद रहे हो, इंपोर्टेंस में आप ये लिख सकते हो, ठीक है, परचेज न्यू इनपुट्स, जब आप ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदते हो और ये बहुत देर तक चलते हैं, है ना, लॉन्ग लाइफ लास्टिंग होते हैं ये, तो काफी देर तक चलेंगे तो इससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इन्हांस होती है, इससे आपकी गुड्स क्या होंगी, इकोनॉमी में गुड्स भी इंक्रीज होंगी, तो GDP भी क्या होगा, इससे आपका GDP भी इंक्रीज होगा क्योंकि गुड्स इंक्रीज हो रही हैं इकोनॉमी में। तो देखो अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो ये आपको रिफाइनेंसिंग भी करेगा, ठीक है, अगर आपने किसी से लोन लिया है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख लो, सेकंड ये लिख लो, थर्ड GDP का लिख लो, फोर्थ रिफाइनेंसिंग, ठीक है, हेल्प्स इन रिफाइनेंस, क्योंकि देखो अगर आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो वो आप वापस नहीं कर पा रहे, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो ये आपको क्या मिलेगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो आप ये पैसा लेके पहले वाला पैसा आप चुकता कर सकते हो और बाकी के बचे पैसे से आप क्या कर सकते हो, इस पे काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर में जो भी आपको चीजें खरीदनी है वो खरीद सकते हो, ठीक है, इसलिए ये हेल्प करता है कि पुराना जो पैसा आपको वो आप रीपेमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ अगर बात करें तो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए भी क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। जब आप प्रोडक्ट क्या अपनी एक मार्केट क्रिएट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो कुछ कंसल्टेंट्स भी रखने पड़ेंगे, है ना, तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, जब कंसल्टेंट्स रखते हो उनको भी पैसा देखते हो, तो इससे कंसल्टेंट से क्या होगा, ये अपना काम एफिशिएंटली करेंगे, जब एफिशिएंटली करेंगे तो मार्केटिंग क्या होगी, ये इंक्रीज होगी आपकी, है ना, जब मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होगा तो लोग मोर अट्रैक्टिव होंगे, लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी और लोग भी क्या होंगे, काम करने में इंटरेस्टेड होंगे, तो ये आप इनका मेन आप इंपॉर्टेंस में पॉइंट्स डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।